नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस मंच पे। पिछले क्लास में हम लोग इमरजेंसी टॉपिक में बातें किए थे, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। और नेशनल इमरजेंसी में हम लोग बातें किए, नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करने के ग्राउंड, आधार, कंडीशन, परिस्थितियां क्या हैं, मैंने परिस्थितियां दिखाया। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थे, 44 अमेंडमेंट से परिस्थितियों में आधार ग्राउंड में क्या चेंजिंग हुआ, और प्रोसीजर प्रक्रिया क्या है नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करने का, इस पर हम लोग बातें किए। इम्प्लीमेंट लागू कैसे होगा और नेशनल इमरजेंसी लग गया फिर समाप्त कैसे होगा। तो एक तो वापस लेने की बात है कि सरकार पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे, वापस ले लिया गया। दूसरा, समाप्त करने का पावर संसद को है, संसद का लोअर हाउस लोकसभा को है। मैंने प्रोसीजर बताया था कि लोकसभा के कम से कम 110 मेंबर इस बात का नोटिस देंगे स्पीकर को, अगर हाउस की कार्रवाई चल रही है तो, सेशन नहीं चल रहे हैं तो राष्ट्रपति को सूचना देंगे, और यथानुसार इस प्रकार से ये दोनों जो भी होंगे बैठक बुलाएंगे 14 दिन के अंदर, इमरजेंसी सीटिंग, आपातकालीन बैठक, और सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया तो नेशनल इमरजेंसी समाप्त। नेशनल इमरजेंसी के प्रभाव क्या होते हैं इस पर भी बातें किया, और नेशनल इमरजेंसी कितने बार आज तक इस्तेमाल हुए हैं ये भी। 1962 में पहली बार चाइना के अटैक के कारण, ठीक नेक्स्ट 1971 पाकिस्तान के अटैक के कारण, और नेक्स्ट 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस आंतरिक अशांति काल के आधार पर उसके कारण। इस प्रकार से ये नेशनल इमरजेंसी पर हम लोग बातें किए थे। नेशनल इमरजेंसी के प्रभाव डिटेल हम लोग बातें किए, कैसे कैसे प्रभाव हमारे समाज पर और विभिन्न तरह से सरकारों पर, जो राज्य सरकारें हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, ये सभी बातें की। आज हम लोग बातें करेंगे 44 अमेंडमेंट से पहले और 44 के आफ्टर क्या चेंजिंग हुए, फिर हम नेक्स्ट इमरजेंसी की बात करेंगे प्रेसिडेंट। तो आइए देखते हैं ये 44 अमेंडमेंट। 44वां संशोधन अधिनियम, संशोधन से पहले व्यवस्था जो इंदिरा जी ने अकेले रिकमेंड किया था प्रेसिडेंट को, बाद में बताया अपने कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को, यानी इस अमेंडमेंट से व्यवस्था किया गया कि अकेला पीएम रिकमेंड नहीं करेगा नेशनल इमरजेंसी के लिए। क्या किया गया, इसके द्वारा व्यवस्था किया गया प्राइम मिनिस्टर, पीएम एंड कैबिनेट, ये व्यवस्था किया गया, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल रिकमेंडेशन कर, ठीक है। तो रिकमेंडेशन बाय पीएम एंड कैबिनेट, ये व्यवस्था किया गया कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा सिफारिश, अकेला प्रधानमंत्री नहीं, ठीक। इसके पहले क्या था, सिर्फ पीएम प्रधानमंत्री, ये जैसा इंदिरा जी ने किया था एग्जांपल। नेक्स्ट देखा जाए तो ये व्यवस्था इस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट ये कि जब प्रेसिडेंट अनाउंस कर देंगे आफ्टर रिकमेंडेशन, तो प्रेसिडेंट के अनाउंस करने के बाद पहले था कि 2 महीने के लिए होगा, तो बिफोर दिस था आफ्टर अनाउंसमेंट, राष्ट्रपति के घोषणा के पश्चात कितने महीने, 2 महीने, और इसे किया गया कि राष्ट्रपति के घोषणा के पश्चात
दो महीने तक ये रहेगा, दो महीने तक, ठीक। सॉरी, पहले दो महीने था, इस संशोधन के द्वारा किया गया एक महीना, ठीक है। तो इसके द्वारा किया गया एक महीना, यह व्यवस्था इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा यह व्यवस्था किया गया एक महीना, यानी इमरजेंसी को पास करना टफ किया गया। आगे चलिए, नेक्स्ट। इसके पहले था सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से पास करना, ये साधारण बहुमत, बस इस संशोधन के द्वारा कर दिया गया विशेष बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा संसद से पारित, ठीक है, यह व्यवस्था किया गया बाय स्पेशल मेजॉरिटी। और नेक्स्ट, स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया सेपरेट दोनों हाउसेस से, तो आगे क्या, पहले था कि सिंपल मेजॉरिटी से एक बार पास हो गया, तो पहले था क्या, यह था अनिश्चित काल हो गया, एक ही बार में हो गया अनिश्चित काल, तो एक बार में पास सिंपल मेजॉरिटी इंडेफिनिट अनिश्चित काल के लिए, लेकिन विशेष बहुमत से पास हो गया तो अनिश्चित काल नहीं, अब यह व्यवस्था हो गया एक महीने के बाद छह महीने के लिए होगा, तो यह होगा छह महीने के लिए। एक बार में छह महीने बढ़ाने की व्यवस्था, और छह छह महीना करके ही ये बढ़ाया जाएगा अनिश्चित काल के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैबिनेट वर्ड मंत्रिमंडल शब्द पहली बार संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया, तो आपका जवाब 44 अमेंडमेंट। पहला देखा कि पीएम एंड कैबिनेट, उसके बाद राष्ट्रपति के घोषणा के पश्चात दो महीने नहीं एक महीने, ठीक है। विशेष बहुमत हो गया जबकि पहले साधारण बहुमत, एक बार में अनिश्चित काल, एक बार में अनिश्चित काल नहीं छह छह महीना करके, इस प्रकार से देखा जाए एक मेजर चेंजिंग किया गया। नेक्स्ट, इसके पहले यह भी व्यवस्था था कि इमरजेंसी के पीरियड में सरकार जो भी लॉ मेकिंग कानून बनाएगी, जो भी लॉ मेकिंग करेगी, उसको चैलेंज नहीं किया सकता, लेकिन इसके बाद सरकार के पॉलिसी नीतियां अगर असद्भावपूर्ण दिखती है तो भारत का कोई भी नागरिक चैलेंज चुनौती कर सकता है, ठीक है। और इमरजेंसी के पीरियड में, आपातकाल में जो भी कानून बनेंगे, इमरजेंसी समाप्त होने के बाद छह महीने तक ही रहेंगे, छह महीने के लास्ट डे ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, ये व्यवस्था दिया गया है। ये 44 अमेंडमेंट से, 44 अमेंडमेंट के पहले क्या था आपने देखा, इस प्रकार से एक मेजर चेंजिंग, परिवर्तन देखने को मिला। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट इमरजेंसी की बातें करेंगे। नेक्स्ट इमरजेंसी होगा, ये होगा राष्ट्रपति शासन, आइए बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बातें करेंगे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, तो ये होगा राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, तो ये सेकेंड इमरजेंसी है। फर्स्ट इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन की बात किया जाए, इसका ग्राउंड क्या होता है सबसे पहले देखा जाए। इसका ग्राउंड दिया गया है संवैधानिक तंत्र का असफल होना, इसका आधार है, ग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होना, फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इसका ग्राउंड है, यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता, आधार इसका है, आधार है
संवैधानिक संवैधानिक तंत्र, बल्कि इसको ऐसे होगा, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये इसका ग्राउंड है, इसका आधार है। तो किसी भी राज्य में राज्य का जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, स्टेट का गवर्नर। तो जब कभी भी किसी राज्य में गवर्नर को ऐसा फील हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि राज्य में प्रशासन तंत्र असफल फेल हो गया है, शासन प्रशासन नाम की चीज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी संवैधानिक प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से फेल हो, और ऐसे परिस्थिति में राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को इस बात का रिपोर्ट देता है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा दिया गया रिपोर्ट ही सफिशियंट नहीं माना गया। बहुत सारी बातें सीक्रेट होती हैं जो राष्ट्रपति को पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंड करते हैं, और पीएम एंड कैबिनेट जब रिकमेंड करते हैं तो मुख्य ग्राउंड यही है, जैसे ये रिकमेंड किए अब प्रेसिडेंट अनाउंस करें। तो आइए हम लोग बातें करेंगे, प्रेसिडेंट रूल का ग्राउंड देख लिए कैसे है, अब प्रोसीजर प्रक्रिया की बातें करते हैं इस प्रकार से। तो प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन की बात किया जाए तो इसके लिए प्रक्रिया प्रोसीजर इस प्रकार से, ये प्रक्रिया यानी प्रोसीजर क्या है लागू होने का, इसको देखा जाए तो यहां पर क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल मिल करके रिकमेंड करेंगे, सिफारिश करेंगे। तो पीएम एंड कैबिनेट मिल करके सिफारिश करते हैं, ये सिफारिश या अनुशंसा, रिकमेंड करेंगे, ठीक है, और ये रिकमेंड कर दिए, सिफारिश कर दिए किनको, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को जब सिफारिश रिकमेंडेशन कर दिए, अब राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेंगे, राष्ट्रपति अनाउंस कर देंगे, और राष्ट्रपति जैसे अनाउंस किए, आफ्टर अनाउंसमेंट, ये राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन के लिए व्यवस्था है, कितना होगा, 2 महीने। तो आफ्टर अनाउंसमेंट, जब पार्लियामेंट के हाउस का फर्स्ट सिटिंग होगा तो फर्स्ट सिटिंग के बाद होगा ये 2 महीने, विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंतर्गत ये पास होना चाहिए। तो पास कितने बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से, संसद के संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित
कर आना होगा। तो संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित करना होगा। संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा दोनों से सेपरेट साधारण बहुमत से पारित हो गया तो 2 महीने के अंतर्गत कभी भी पारित हो गया तो 2 महीने के बाद हो गया 6 महीने। अगर 2 महीने के अंतर्गत नहीं पारित हुआ तो 2 महीना को जो लास्ट डे है आखिरी तारीख उस डे को ऑटोमेटिकली ये इमरजेंसी खत्म। लेकिन अगर पास हो गया तो 2 महीने के बाद होगा कितने समय के लिए 6 महीने के लिए। फिर आगे बढ़ाना चाहती है सरकार तो बस 2-6 महीने के अंतर्गत फिर पारित करेगी तो फिर वही साधारण बहुमत से वही बहुमत साधारण बहुमत से पारित करेगी और साधारण बहुमत से जैसे पारित हुआ फिर हो गया अगले 6 महीने के लिए और 6-6 महीने करके ये बढ़ाया जाएगा। अधिकतम कितना तो आपका जवाब होगा अधिकतम 3 वर्ष। बट ये ध्यान दीजिए कॉन्टिन्यूसली 3 वर्ष नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कॉन्टिन्यूसली 3 वर्ष बढ़ाया जाए। अगर 6-6 महीना करके प्रेसिडेंट टूल राष्ट्रपति शासन सरकार भारत की 1 वर्ष बढ़ा चुकी 6-6 महीना करके 1 वर्ष तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है। व्यवस्था ये है कि प्रेसिडेंट इसके लिए सरकार रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट इससे संबंधित जानकारी लेंगे इलेक्शन कमीशन से सलाह लेंगे। तो गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट एडवाइस सलाह लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भारत के निर्वाचन आयोग से और भारत के निर्वाचन आयोग से जब सलाह लेंगे तो निर्वाचन आयोग बकायदे उस राज्य में सर्वे करता है। तो परिस्थितियां दो, एक तो आपने देखा जैसे इलेक्शन कमीशन से यह सलाह ले रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन उस राज्य में सर्वे किया जानकारी प्राप्त किया। अगर इलेक्शन कमीशन को लगा कि राज्य में इलेक्शन कराना बिल्कुल आसानी से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो इलेक्शन कमीशन सलाह देगा इलेक्शन का और उस राज्य में इलेक्शन होगा। आफ्टर इलेक्शन जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में होगी उसका लीडर मुख्यमंत्री होगा, राज्य में नई सरकार आई, प्रेसिडेंट रूल खत्म। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सर्वे के आफ्टर ये समझा कि राज्य में निर्वाचन कराने की परिस्थितियां फेवरेबल अनुकूल नहीं है, चुनाव कराना संभव नहीं, बड़ी भयंकर स्थिति है। तो ऐसे परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन एडवाइस देगा कि राज्य में इलेक्शन कराना अभी माहौल फेवरेबल अनुकूल नहीं है, चुनाव कराना संभव नहीं है, राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का सलाह देगा और इस प्रकार से राष्ट्रपति शासन बढ़ाई जाएगी। जैसे याद कीजिए पंजाब राज्य, पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन अनाउंस हुआ था जब इस तरह से 6-6 महीना करके 1 वर्ष हो गया, इलेक्शन कमीशन से सलाह लिया गया तो इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट को सलाह दिया कि आज इस समय जो पंजाब के हालात हैं इलेक्शन कराना संभव नहीं है, अगर इलेक्शन कराया जाए तो वोटर मतदाताओं को अपने बूथ से सही सलामत लौटकर घर पहुंचना संभव नहीं, बड़ी खराब स्थिति है। तो इस तरह से उसने सलाह दिया इलेक्शन कमीशन पंजाब में क्या राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का। तो ऐसी परिस्थितियां जब होती हैं तभी 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाता है, यानी कॉन्टिन्यूसली 3 वर्ष नहीं, इलेक्शन कमीशन से सलाह के पश्चात ही 1 वर्ष 6-6 महीना करके अगर प्रेसिडेंट को लग गया तो सरकार राष्ट्रपति को रिकमेंड करेगी और राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन से सलाह लेंगे तभी प्रेसिडेंट टूल बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो कॉन्टिन्यूसली 3 वर्ष नहीं, 1 वर्ष के बाद इलेक्शन कमीशन के सलाह के पश्चात, क्लियर, ये व्यवस्था दिया गया। तो अधिकतम कितने वर्ष तो आपका जवाब 3 वर्ष ऑप्शन होगा, ऑप्शन देगा अनिश्चित काल 5 वर्ष 3 वर्ष नॉन ऑफ दिस, आपका जवाब अनिश्चित काल नहीं 3 वर्ष। अगर नेशनल इमरजेंसी होता तो ऑप्शन होता अनिश्चित काल इंडेफिनिट टाइम, ठीक है, ये व्यवस्था यहां दिया गया। ये था प्रेसिडेंट रूल। हम लोग बातें करेंगे इसका प्रभाव क्या होता है। प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो प्रेसिडेंट रूल का इफेक्ट प्रभाव क्या होते हैं इस पर हम लोग बातें करें। देखिए प्रेसिडेंट रूल का जो प्रभाव होता है वो इस प्रकार से प्रभाव जो होता है, इसमें राष्ट्रपति
राज्य सरकार को या तो विघटित कर देगी या सस्पेंड करेगी। जनरली विघटित ही करते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। स्टेट का लेजिस्लेचर विधानमंडल जो है उसको भी चाहे तो डिजॉल्व कर देगी या सस्पेंड कर देगी। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है राज्य की सरकारों पर, ठीक है। और जब तक प्रेसिडेंट रूल होगा, उस राज्य का जो राज्यपाल होगा, राष्ट्रपति शासन में राज्य का जो राज्यपाल होता है, ये राज्यपाल यानी गवर्नर, गवर्नर जो होता है, ये गवर्नर उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव के माध्यम से, ये चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से राज्य का शासन चलाता है। तो स्टेट का जो शासन है, गवर्नर ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन में राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से या कोई भी ऐसा सलाहकार अपॉइंट कर दिया गया, उसके सहयोग से राज्य के शासन व्यवस्था चलाता है। यानी राज्य के मुख्यमंत्री गायब, सारे मंत्री एमएलए कोई पावर नहीं, उस राज्य के लिए लॉ मेकिंग होगा प्रेसिडेंट रूल के परिस्थिति में, कहां पर, पार्लियामेंट में। उस राज्य का बजट आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी लोकसभा में, यानी राज्य की विधानमंडल भी गायब हो गया, सस्पेंड हो गया या डिजॉल्व हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री को भी पावर नहीं, गवर्नर, मुख्य सचिव या कोई सलाहकार के माध्यम से राज्य का शासन व्यवस्था संभालेगा। और इस तरह से सारा कंट्रोल उस राज्य पर सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन ये राज्य की शासन व्यवस्था होगी। तो इस इमरजेंसी को राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंटल या राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी कहा गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग ये बातें करें कि इंडिया कंट्री में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंटल कब लगा और कहां लगा। तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब राज्य में घोषित किया गया। और कमीशन एक क्वेश्चन कर चुका है, राष्ट्रपति शासन का फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल का शिकार इनमें से कौन हुआ। तो जाहिर सी बात है पंजाब का मुख्यमंत्री होगा, यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन है, पूछा गया है, लेकिन राज्य नहीं दिया है, मुख्यमंत्री का नाम दिया है। तो कौन सा मुख्यमंत्री पहले राष्ट्रपति शासन का शिकार हुआ, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री में यह नाम था गोपीनाथ भार्गव। गोपीनाथ भार्गव हालांकि नेम ऑप्शन में शॉर्ट नेम दिया था जीएन भार्गव, समझ ही जाएंगे। तो 1951 में पंजाब में कौन था सीएम, ये जानना जरूरी है, जो पहले राष्ट्रपति शासन का शिकार हुआ, हमारे देश में पहला राष्ट्रपति शासन पंजाब में, और ये थे यहां के सीएम पंजाब के, जीएन भार्गव, गोपीनाथ भार्गव, 1951। अधिकतम अवधि तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा, तो आपका जवाब पंजाब राज्य। अधिकतम अवधि तक राष्ट्रपति शासन और इसका जवाब होगा पंजाब राज्य। ठीक है, कितने समय तक, ये शुरू हुआ 1987 में और ये चलता रहा 1992
तो अधिकतम अवधि तक राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में कितने वर्ष? 5 वर्ष। ये 5 वर्ष तक चलता रहा पंजाब राज्य, ठीक है। परिस्थितियां ऐसी थी जो बढ़ाना पड़ा। तो मैक्सिमम 3 ईयर्स होता है, 3 वर्ष, लेकिन एक्सेप्शन अपवाद भारत का एक राज्य है, वो है पंजाब, जो अधिकतम से भी ज्यादा रहा, यानी कहा जाएगा 3 वर्ष से भी ज्यादा, ठीक है। इस प्रकार से देखें तो ये था प्रेसिडेंटल राष्ट्रपति शासन। और इसके बाद हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, थर्ड इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल। और फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल की जो व्यवस्था दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके लिए आर्टिकल में बता चुका हूं, आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का ग्राउंड क्या है, इस पर हम लोग बातें करते हैं। इस इमरजेंसी का लाने का ग्राउंड यानी आधार, परिस्थितियां, कंडीशन, तो ये है वित्तीय साख खतरे में पड़ना। वित्तीय साख या वित्तीय स्थायित्व का खतरे में पड़ जाना, वित्तीय साख या वित्तीय स्थायित्व का खतरे में पड़ जाना या फिर असफल हो जाना, यह परिस्थिति है। तो जब कभी भी हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो ऐसे परिस्थिति में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की बात सोची जाती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे लगता है, कैसे अनाउंस होता है, परिस्थिति, ग्राउंड, आधार तो आपने देखा, अब प्रोसीजर, प्रक्रिया की बात करते हैं। तो आइए प्रक्रिया की बात किया जाए। इनके लिए प्रक्रिया, प्रोसीजर इस प्रकार से, प्रक्रिया देखें तो यहां वैसे ही प्रधानमंत्री, सेम प्रोसीजर, ये पीएम एंड कैबिनेट, पीएम एंड कैबिनेट मिल करके, पीएम एंड कैबिनेट मिल करके रिकमेंड करेंगे, रिकमेंड यानी सिफारिश करेंगे, ठीक है, सिफारिश करेंगे, किसको सिफारिश करेंगे, ये करेंगे राष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को इन्होंने सिफारिश किया। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे यानी घोषणा कर देंगे। तो राष्ट्रपति जब घोषणा करेंगे, तो घोषणा जब ये करेंगे फर्स्ट सिटिंग के बाद, ये होगा कितने समय के लिए, 2 मंथ्स, ठीक है। यहां तक आपने देखा प्रेसिडेंट रूल से मैच कर रहा, विद इन 2 मंथ्स ये पास होगा, और फर्स्ट सिटिंग के बाद विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर पास होगा, तो कितनी बहुमत, पास्ट बाई सिंपल मेजॉरिटी, पास्ट बाई सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा ये पास हो गया, और पास हो गया
संसद के साधारण बहुमत द्वारा ये संसद के साधारण बहुमत या संसद के दोनों सदनों के एक ही बात हुआ साधारण बहुमत द्वारा पारित कराना होगा। तो जैसे पारित हो गया एक बार साधारण बहुमत से पारित हो गया 2 महीने के अंदर, तो ये हो गया एक बार में ही हो गया अनिश्चितकाल, एक बार में ही हो गया इंडिफिनिट अनिश्चितकाल। तो ये वन टाइम में इंडिफिनिट टाइम इंडिफिनिट अनिश्चित काल के लिए हो गया, बार बार पास करना नहीं। ठीक, अब हम लोग देखें कब हमारे देश में ऐसा चांस था। 1991 में ऐसा चांस था ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने का, बट लगा नहीं। आपके कंट्री में इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिंहा राव जी की सरकार थी। तो सरकार इस समय एलपीजी, ये लाई सरकार एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये व्यवस्था ला करके सरकार ने क्या किया, ये लिबरलाइजेशन उदारीकरण लिबरलाइजेशन उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ये व्यवस्था ला करके और सरकार इस संकट से निपट लिया, यानी इमरजेंसी नहीं लानी पड़ी। तो नेशनल इमरजेंसी अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के कब चांस थे, तो आपका जवाब 1991, बट लगाने। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने बार लगे हैं, तो आपका जवाब होगा एक बार भी नहीं। ठीक है, ये प्रोविजन है, बट लगा एक बार भी नहीं। ठीक है, और प्रोसीजर क्या है ये आपने देखा। ठीक, इसके इफेक्ट प्रभाव क्या होते हैं, अब इस पर हम लोग बातें करेंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफेक्ट प्रभाव देखा जाए तो इस प्रकार से, इनके प्रभाव यह होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी इंप्लाइज होते हैं, जो भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, उनके वेतन भत्ते से कटौती होता है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते की कटौती करके और इस परिस्थिति से निपटना होता है, ये व्यवस्था दिया गया। तो राष्ट्रपति गवर्नर जैसे पदाधिकारी के वेतन भत्ते से कटौती नहीं, अन्य सभी के, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस सभी इंप्लाइज के वेतन भत्ते की कटौती होती है। यह है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आपसे पूछा गया कितने बार यूज हुआ, तो जवाब एक बार भी नहीं। आपसे यह पूछा गया कि कौन सी इमरजेंसी है जो 2 इमरजेंसी का नेचर कैरी करता है, तो आपका जवाब होगा ये। जैसे ये दिया नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट पोल, राष्ट्रपति शासन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल,
none of these. प्रोसीजर आपने देखा, अगर ये पूछा गया कि सभी तीनों इमरजेंसी में कौन इमरजेंसी है जो दो इमरजेंसी का नेचर कैरी करता है, तो जवाब होगा ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्यों? मैंने अभी बताया पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंड करेंगे और रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे। प्रोसीजर में अभी मैंने दिखाया, ये देखिए प्रोसीजर, और रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अनाउंस किए आफ्टर दिस 2 महीने, ठीक 2 महीने के अंतर्गत पास होना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। यहां तक प्रोसीजर किसका है? ये प्रोसीजर यहां तक है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट उनका। लेकिन राष्ट्रपति शासन में मैक्सिमम 3 इयर्स है, इनडिफिनिट यहां पर है, तो इनडिफिनिट किसका नेचर है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात का। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी का भी नेचर कैरी करता है और ये वाला नेचर प्रेसिडेंट। तो 2 इमरजेंसी का नेचर कौन कैरी करता है? आपका जवाब होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब कि कौन सी इमरजेंसी है जो 2 इमरजेंसी का नेचर प्रोसीजर कैरी करता है, तो आपका जवाब वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे एग्जाम ओरिएंटेड बातें मैंने डिस्कस किया है, इमरजेंसी से रिलेटेड कोई गलतियां नहीं, ठीक है। ये है इमरजेंसी टॉपिक, जो फर्स्ट इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, सेकेंड इमरजेंसी प्रेसिडेंट टूल अंडर आर्टिकल 356 एंड थर्ड इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ठीक है, कंप्लीट होता है। इसी के बाद अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक होगा ये होगा आर्टिकल 368 यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जो व्यवस्था दी गई है ये व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 360 अनुच्छेद 368। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की व्यवस्था दी गई है, अमेंडमेंट की व्यवस्था दी गई, इन पर हम लोग बातें करेंगे किस प्रकार से व्यवस्था है। देखिए आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट की व्यवस्था है, आप सभी याद कीजिए पार्लियामेंट टॉपिक हमने जो पढ़ाया था उसमें 4 टाइप के बिल आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक, 4 प्रकार के बिल। पॉइंट फर्स्ट, फर्स्ट ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक अंडर आर्टिकल 107, सेकेंड बिल मैंने बताया मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, और तीसरा वित्त विधेयक फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 117 अनुच्छेद 117, और चौथा बिल मैंने बोर्ड पर लिखा था, बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल संविधान संशोधन विधेयक। मैंने उस दिन नहीं पढ़ाया और बोला एक सीक्वेंस पढ़ाऊंगा, तो इमरजेंसी समाप्त हो गया 352, 356, 360, अब 368 मैं पढ़ाने चल रहा हूं। मैंने उस दिन आपसे वचन दिया, वादा किया, तो ये मत समझिएगा छोड़ देंगे, कुछ भी सिलेबस कोर्स नहीं छोड़ेंगे। तो ये आज मैं डिस्कस करने चल रहा हूं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 जो 4 टाइप का बिल बताया, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट होते हैं, चेंजिंग परिवर्तन आज हम लोग सीखेंगे समझेंगे। तो किस आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की व्यवस्था है? आपने देखा आर्टिकल 368, संसद को यह शक्ति दी गई। लेकिन हर बिल के अपने कुछ नेचर हैं, इस बिल के भी नेचर हैं, पहले नेचर पर बात करें। मनी बिल को जब हाउस में इंट्रोड्यूस करना होता है तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर राष्ट्रपति से परमिशन लेते हैं। फाइनेंस बिल को भी जब इंट्रोड्यूस करना होता है, हाउस में प्रस्तुत करना होता है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल संविधान संशोधन विधेयक जो अनुच्छेद 368 में है, इसको संसद के सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। नंबर फर्स्ट नेचर, आगे देखिए
मनी बिल के लिए बाउंडेड है, लोकसभा में ही प्रारंभ होगा। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल संविधान संशोधन विधेयक के लिए कोई हाउस बाउंडेड नहीं है, संसद का कोई सदन बाध्य नहीं है, राज्यसभा में ही प्रारंभ होगा या लोकसभा में ही प्रारंभ होगा ऐसा नहीं। मंत्री किसी भी सदन में इस विधेयक को प्रारंभ कर सकते हैं, राज्यसभा अथवा लोकसभा। क्लियर? आगे समझिए इसका नेचर आगे क्या है। अब देखिए, इसके लिए सेपरेट मेजॉरिटी चाहिए फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल के लिए मैंने बताया था कि दोनों हाउसेज में डिस्प्यूट विवाद हो गया तो ज्वाइंट सीटिंग से पास हो जाएगा। सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास एक बड़ा अस्त्र के रूप में काम करता है संयुक्त बैठक। राज्यसभा में बहुमत नहीं है, विरोध हुआ, नहीं पास हुआ तो सरकार ज्वाइंट सीटिंग का सहारा लेकर अपना काम कर लेती है। लेकिन अमेंडमेंट बिल में संयुक्त बैठक नहीं, सेपरेट फ्रॉम बोथ हाउसेज, दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत चाहिए, लोकसभा राज्यसभा से। अगर लोकसभा से जबरदस्त बहुमत से पास हो गया, राज्यसभा में बहुमत नहीं मिला तो नहीं पास होगा, राष्ट्रपति के पास नहीं भेजेंगे, कोई संयुक्त बैठक की व्यवस्था यहां नहीं। अब आगे चलिए, बिल जब संसद के दोनों सदनों से पास हो गया तो मैंने बताया था साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में राष्ट्रपति को पावर होता है वीटो यूज करने का, राष्ट्रपति को वीटो पावर मैं पढ़ा चुका हूं। लेकिन अमेंडमेंट बिल संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को बाउंडेड किया गया है, बाध्य है। पास होकर जब बिल राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति बाध्य है सिग्नेचर अपना करेंगे। जैसे ही राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, एक्ट बन गया। क्लियर? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति को जो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य किया गया है, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, मूल संविधान में नहीं। मूल संविधान में राष्ट्रपति वीटो अमेंडमेंट बिल पर करते थे, ऑर्डिनरी बिल पर करते थे, फाइनेंस बिल पर करते थे। सिर्फ मनी बिल पर वीटो पावर राष्ट्रपति को नहीं था, बाउंडेड थे, सिग्नेचर करते थे। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ और यह अमेंडमेंट हुआ 24th अमेंडमेंट एक्ट। और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में बाय दिस अमेंडमेंट के मामले में प्रेसिडेंट को बाउंडेड कर दिया गया। तो आज के डेट में कितने बिल हैं जिस पर प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकते? आपके पास जवाब है दो बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कितने बिल थे जो प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकते थे? आपका जवाब सिर्फ एक होगा, मनी बिल। किस अमेंडमेंट से अमेंडमेंट बिल पर प्रेसिडेंट को वीटो करने से रोका गया है? आपका जवाब 24th अमेंडमेंट। इसके पहले राष्ट्रपति को वीटो पावर इस बिल में था। क्लियर? तो आपने प्रोसीजर में कुछ बातें देखा। नंबर फर्स्ट, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं, नंबर फर्स्ट नहीं कर सकते। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकेगा। यानी कोई हाउस बाउंडेड नहीं। ठीक है, ये प्रोसीजर की बातें हैं, इस बिल का नेचर है, प्रोसीजर में देखेंगे इसकी प्रकृति है। राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं, ज्वाइंट सीटिंग से पास नहीं होगा, सेपरेट मेजॉरिटी चाहिए, राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ होगा, कोई धन विधेयक जैसे कोई सदन यानी लोकसभा बाध्य नहीं कि वहीं प्रारंभ होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग बातें करेंगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, संशोधनों के प्रकार। आइए देखा जाए टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, संशोधनों के प्रकार। संशोधनों के प्रकार
टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट संशोधनों के प्रकार देखा जाए तो फर्स्ट टाइप संसद के साधारण बहुमत द्वारा, बाई सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखना यह है कि ऐसे कौन से विषय हैं जो सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत से चेंजिंग परिवर्तन किए जाते हैं, ऐसे कौन से बिल हैं। तो ऐसे बिल में नाम आएंगे इस प्रकार से, जैसे ऐसे बिल में यह होगा नए राज्य का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमा, और नामों में परिवर्तन। तो इस प्रकार से, और नेक्स्ट होगा नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, तो नए राज्य के निर्माण से संबंधित बिल है विधेयक। इसी प्रकार से देखा जाए तो राज्य का सीमा क्षेत्रफल नाम में परिवर्तन, ये सब सिंपल मेजॉरिटी से चेंजिंग होते हैं। इसी प्रकार से नागरिकता प्राप्ति के लिए विधेयक है, कानून बनाना है, नागरिकता समाप्ति साधारण बहुमत से। इसी प्रकार से देखा जाए तो नेक्स्ट होगा संसद में गणपूर्ति, संसद के सदनों में गणपूर्ति। तो सदन के गणपूर्ति, सदन जो होते हैं उनके गणपूर्ति से संबंधित नियम कुछ बनाना है सिंपल मेजॉरिटी से। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो बढ़ाई जाती है, इसके लिए बड़ी बहुमत नहीं है, संसद से सिंपल मेजॉरिटी दोनों हाउसेस से चाहिए और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है। आप जानते होंगे शुरू में एक मुख्य न्यायाधीश, सात अन्य न्यायाधीश थे, 1956 में बढ़ाए गए और एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कर दिया गया 10 अन्य, 60 में फिर बढ़ाए गए एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 13 अन्य। तो ये संख्या जो बढ़ाने की बात है, इसके लिए संसद से बड़ी मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। इसी प्रकार से देखा जाए तो और भी चीजें, ये संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित कोई कानून बनाना है, इसके लिए बड़ी मेजॉरिटी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखें तो और भी ऐसे विषय हैं जो सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, साधारण बहुमत से ये काम हो जाते हैं। जैसे देखा जाए ये होगा विधान परिषद का गठन और समाप्ति, तो विधान परिषद किस राज्य में नहीं है गठन करना है, किस राज्य में ऑलरेडी है समाप्त करना है, इसके लिए। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में
पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर प्रक्रिया साथ साथ हम लोग बातें किए थे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। तो फर्स्ट टाइप बातें किए और सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप आज हम लोग बातें करें। संशोधन का जो तीसरा प्रकार है वो इस प्रकार से है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखा जाए इसमें क्या है। देखिए फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया बाय सिंपल मेजॉरिटी, और सेकेंड कैटेगरी पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी, और भारत के हाफ स्टेट लेजिस्लेचर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत से समर्थन के बाद संशोधन, ये दो कैटेगरी। तो ऐसे विषय जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों कैटेगरी में नहीं आते वो आते हैं तीसरे कैटेगरी जो सामने बोर्ड पर है। आपको इजीली समझाने के लिए मैं अपने अनुसार अरेंज किया हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो फर्स्ट कैटेगरी के विषय भी आपने देखा, सेकेंड कैटेगरी ऐसे विषय जो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कैटेगरी में नहीं आते वो विषय किस में आते हैं इसमें, और कैसे विषय, जैसे ये होगा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होगा, और पार्लियामेंट का स्पेशल मेजॉरिटी भारत के आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन यह भी नहीं चाहिए। किस कैटेगरी में, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के दो सदन हैं दोनों से सेपरेट विशेष बहुमत चाहिए, राज्यों का सपोर्ट समर्थन नहीं चाहिए। इसी प्रकार से और भी विषय हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निदेशक तत्व में अमेंडमेंट करना है तब भी यही स्पेशल मेजॉरिटी से हो जाएगा, राज्य का सपोर्ट नहीं चाहिए। आप कह सकते हैं नेक्स्ट, आप कह सकते हैं कि अदर ऑल प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी, ठीक है, वे सभी उपबंध, या कह सकते हैं वे सभी उपबंध, वे सभी उपबंध या प्रावधान जो जो प्रथम एवं एवं द्वितीय श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते, वे सभी उपबंध या प्रावधान जो प्रथम एवं द्वितीय श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते। तो ऐसे भी थे जो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी के अंडर नहीं आते हैं, उनके अंतर्गत नहीं आते, वो सभी विषय कहां पर, इसी में चेंजिंग परिवर्तन किए जाते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं बाई स्पेशल मेजॉरिटी, क्लियर। और इसी के साथ देखा जाए तो अमेंडमेंट टॉपिक समाप्त होता है, आप यहां से सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और अब हम लोग बातें करते हैं यहां पर लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन, तो आइए देखा जाए स्थानीय शासन पंचायती राज से संबंधित बातें करें। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन। लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन की बात देखा जाए तो हम लोग इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, ये रूरल लोकल गवर्नमेंट
ग्रामीण, स्थानीय शासन। और शहरी स्थानीय शासन अर्बन लोकल गवर्नमेंट। शहरी स्थानीय शासन ठीक है। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल लोकल गवर्नमेंट, टू टाइप्स की लोकल गवर्नमेंट हम लोग बातें करें। देखिए हमारे देश में महात्मा गांधी जी एक ग्रेट लीडर, महान नेता हुआ करते थे। महात्मा जी अक्सर बोला करते थे, भारत गांव का देश है और भारत की आत्मा इन्हीं गांव में बसती है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी महात्मा जी अपने भाषण में अक्सर ये बोला करते थे। और देखा जाए तो महात्मा गांधी जी का जो ये विचार है न सिर्फ उसी समय रिलीवेंट, प्रासंगिक था, आज भी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करते रहे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करते हुए इस बात पर विचार किया कि महात्मा जी अक्सर बोला करते रहे हैं, भारत गांव का देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है। ये उनके विचार बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़े रिलीवेंट, प्रासंगिक। महात्मा जी के सम्मान में ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अनुच्छेद 40 की व्यवस्था दी। और अनुच्छेद 40 में व्यवस्था दिया, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों ने व्यवस्था दिया ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये महात्मा जी के सम्मान। दरअसल महात्मा जी जो अक्सर बोलते थे कि भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, इससे मीनिंग है उस समय आपके कंट्री की बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जो रूरल थी, ग्रामीण थी, अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम था। उनका सेंस था गांधी जी का कि अगर हम अर्बन की सिर्फ डेवलपमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन का डेवलपमेंट होगा, और रूरल का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन डेवलपमेंट विकास में पीछे रह गई, यानी कंप्लीट इंडिया का डेवलपमेंट नहीं। आफ्टर फ्रीडम, आजादी के बाद हमारे इंडिया कंट्री में बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हुआ है, लेकिन काफी शहरीकरण होने के बाद भी आज भी आपसे पूछा गया तो कि पॉपुलेशन किसका ज्यादा है, शहरी पॉपुलेशन ज्यादा है या ग्रामीण, तो आपका जवाब यही होगा। आज भी हमारे देश के कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या शहरी से ज्यादा, तो आज भी कहा जाएगा कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, उपेक्षा हुआ, सिर्फ शहरी का डेवलपमेंट हुआ, तो कहा जाएगा कि समग्र रूप से भारत का विकास नहीं हो पाया, कंप्लीट इंडिया का डेवलपमेंट। यानी आज भी हमारे देश की बड़ी पॉपुलेशन गांव में रहती है, रूरल पॉपुलेशन है, इसलिए महात्मा जी के विचार आज भी रिलीवेंट, प्रासंगिक है। अगर गांव का विकास नहीं हुआ तो आज भी पूरे देश का विकास नहीं, यानी ज्यादा पॉपुलेशन। इसलिए कहा गया है कि आज के लिए भी ये स्टेटमेंट उचित है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये सच्चाई। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने अनुच्छेद 40 की व्यवस्था दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों की संगठन। ठीक, आगे भी सरकारों ने भी महत्व दिया, तो आइए इनकी बातें करते हैं कैसे। आपके देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने क्या किया, महात्मा जी के सम्मान में, महात्मा जी के स्वप्न को पूरा करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने क्या किया। 2 अक्टूबर 1952 की बात है, ये 2 अक्टूबर 1952 की बात है। महात्मा जी ने सामुदायिक विकास, महात्मा जी के सम्मान में नेहरू सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
और इस कार्यक्रम के प्रारंभ करने का उद्देश्य यही था, नेहरू जी का, नेहरू सरकार का यही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी और कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, आम जनता भारत का डेवलपमेंट विकास का लाभ उठाएगी, पूरा भारत का डेवलपमेंट विकास होगा। तो महात्मा जी का स्वप्न पूरा होगा। उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन, जन्म के तारीख के सम्मान में इसी डेट को नेहरू जी ने प्रारंभ किया। बट कुछ समय के बाद नेहरू सरकार ने यह महसूस किया, फील किया सच्चाई को कि इससे समाज को, देश को कोई फायदा नहीं, तो इस प्रोग्राम को जल्दी ही स्टॉप, रोक लगा दी। और नेक्स्ट ईयर वही महात्मा जी के जन्मदिन, जन्म तारीख यानी 2 अक्टूबर 1953 की बात है, नेहरू जी एक दूसरा प्रोग्राम शुरू किए। ये क्या था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1953 की बात है, इन्होंने शुरू किया और इसका भी उद्देश्य था कि आम जनता का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा, देश हमारा आगे बढ़ेगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने यहां भी महसूस किया अपनी एजेंसी से सच्चाई जाना, ये भी प्रोग्राम फेल असफल रहा। दोनों प्रोग्राम फेल असफल रहे, इसलिए इनकी असफलता पर विचार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कमेटी सेटअप किया इस पर विचार करने के लिए, और इस कमेटी का अध्यक्ष इन्होंने अपॉइंट किया बलवंत राय मेहता जी को। ये थे बलवंत राय मेहता, इसलिए इन्हीं के नाम पर कमेटी का नाम पड़ा बलवंत राय मेहता कमेटी। यह समिति का नाम पड़ा बलवंत राय मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता समिति का गठन नेहरू सरकार ने किया था। यह गठन हुआ 16 जनवरी 1957 को। तो 16 जनवरी 1957 को इसका गठन हो गया और बलवंत राय मेहता समिति ने अपना काम शुरू कर दिया। बलवंत राय मेहता समिति जो स्टडी किया और रिपोर्ट दिया, इस प्रकार से बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और बलवंत राय मेहता समिति अपना रिपोर्ट दिया था ये 24 नवंबर 1957 को बलवंत राय मेहता समिति अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में इन्होंने क्या दिया? रिपोर्ट में इन्होंने दिया कि पंचायत जो होंगे, अपने रिपोर्ट में दिया कि पंचायत जो होंगे वो त्रिस्तरीय होंगे। ये रिपोर्ट में इन्होंने दिया पंचायत त्रिस्तरीय, पंचायत त्रिस्तरीय होंगे। ये त्रिस्तरीय, थ्री टायर्स और त्रिस्तरीय, थ्री टायर्स जो इन्होंने दिया था, थ्री टायर्स में क्या क्या होंगे अब इनको देखिए। नंबर फर्स्ट इन्होंने दिया ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, और नंबर सेकेंड प्रखंड पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ठीक। और नंबर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत,
तो इस प्रकार से ये 3 टायर्स था इनका रिपोर्ट। तो गठन 16 जनवरी 1957 को हुआ, रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को दिए और रिपोर्ट में दिए कि पंचायत जो होगा 3 स्टरी, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, प्रखंड पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत, ये रिपोर्ट दिए। और इस प्रकार से जब ये रिपोर्ट दिए तो 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा स्वीकृति मिल गई। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इनको स्वीकृति भी मिल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, भारत का पहला राज्य राजस्थान राज्य ने 1959 की बात है पंचायती राज एक्ट पास किया। तो राजस्थान राज्य ये 1959 की बात है, 1959 में राजस्थान राज्य ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया। तो भारत का पहला राज राजस्थान राज ने 1959 की बात है पंचायती राज अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 की बात है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। तो भारत में पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 की बात है राजस्थान के नागौर जिला में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया पंचायती राज का उद्घाटन। और इस प्रकार से दूसरे राज्य की बात किया जाए कि दूसरा कौन सा राज्य था जो पंचायती राज व्यवस्था संपन्न हुआ, दूसरा राज्य नाम होगा आंध्र प्रदेश। तो सेकेंड स्टेट कहा जाए पंचायती राज को जो महत्व दिया लागू हुआ व्यवस्था वह राज्य आंध्र प्रदेश। तो भारत का पहला राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया जवाब राजस्थान। कब इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ 2 अक्टूबर 1959, कहां पर, राजस्थान के नागौर जिले में। तो बच्चों ये राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट कई बार पूछा गया है कहां पर नेहरू जी ने उद्घाटन किया। और इस तरह से ये व्यवस्था आपके देश में चलती रही। लेकिन आपके कंट्री में भारत देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई और वह गैर कांग्रेसी सरकार थी मोरारजी देसाई सरकार। मोरारजी देसाई सरकार ने माना कि यह पंचायती राज व्यवस्था जो 3 टायर चल रहा है
लेकिन इससे कोई फायदे खास डेवलपमेंट नहीं। इस पर विचार करने के लिए मोरारजी देसाई सरकार ने एक दूसरी कमेटी विचार किया और इस कमेटी का अध्यक्ष अपॉइंट किए गए अशोक मेहता जी। इसलिए इन्हीं के नाम पर कमेटी का नाम पड़ा अशोक मेहता समिति और इस समिति का गठन हो गया इन 1977। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और कमेटी अपना रिपोर्ट दिया 1978। इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में दिया पंचायत को द्विस्तरीय यानी टू टायर्स द्विस्तरीय। टू टायर्स में क्या दिया? नंबर फर्स्ट इन्होंने दिया, ये दिया प्रखंड पंचायत, ब्लॉक पंचायत, एंड सेकेंड दिया जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, तो इस प्रकार से कमीशन आपसे प्रश्न कर चुका है कि अशोक मेहता कमेटी के रिपोर्ट में इनमें से क्या नहीं था जो बलवंत राय मेहता में था। फर्स्ट ऑप्शन ए विलेज पंचायत, बी ब्लॉक पंचायत, सी डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डी नॉन ऑफ दीज। आपका जवाब क्या होगा? विलेज पंचायत। पूछा गया है क्वेश्चन, कब इन्होंने रिपोर्ट दिया आपने देखा, और इस प्रकार से इसके बाद भी देखा जाए तो स्थितियां बदली और नेक्स्ट फिर कमेटी सेटअप किया गया, आगे सरकार बदली और कमेटी फिर सेटअप किया गया। इस पर विचार करने के लिए इसने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि भारत के सभी राजनीतिक दलों को ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन निर्वाचन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बढ़ चढ़ करके सहभागी होना चाहिए। और इसी के बाद देखा जाए तो सरकार आगे बदली और नेक्स्ट कमेटी सेटअप की गई। और नेक्स्ट कमेटी जो सेटअप की गई, ये कमेटी इस प्रकार से, आइए देखा जाए, नेक्स्ट कमेटी डॉक्टर जी वी के राव कमेटी, डॉक्टर जी वी के राव समिति। और इस समिति का गठन होगा 1985 में ये अपना रिपोर्ट दिए और रिपोर्ट जो इन्होंने दिया इस प्रकार से, रिपोर्ट इन्होंने दिया फोर टायर्स, चार स्तरी, और चार स्तरी में कौन कौन, इनको देखिए। नंबर फर्स्ट ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, एंड नंबर सेकेंड प्रखंड पंचायत, ब्लॉक पंचायत, एंड नंबर नेक्स्ट जिला पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत
एंड नेक्स्ट राज्य विकास परिषद। स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, तो इस प्रकार से ये चार भागों में बांटने का इन्होंने काम किया अपने रिपोर्ट में। ये चार स्तरीय पंचायत और चार स्तरीय पंचायत की जो व्यवस्था इन्होंने दिया, इसके बाद हम लोग बातें करेंगे एलएम सिंघवी कमेटी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो आया फिर भी सरकार को सेटिस्फेक्शन नहीं, एक और कमेटी इस पर विचार करने को गठन किया और ये कमेटी थी डॉक्टर एलएम सिंघवी समिति। डॉक्टर एलएम सिंघवी कमेटी का गठन हुआ था, इनका गठन हुआ इन 1986 में। और डॉक्टर एलएम सिंघवी कमेटी जो अपना रिपोर्ट दिए, रिपोर्ट इन्होंने इसी समय 86 में ही दिया, अपने रिपोर्ट में ही दिया कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं अधिक से अधिक इन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। अपने रिपोर्ट में दिया पंचायती राज संस्थाओं को अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो अधिक से अधिक फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है, वित्तीय संसाधन इन्होंने उपलब्ध कराने की बात किया और इसी के साथ और भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया, गांव के गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत का गठन करना चाहिए और इस प्रकार से सरकार को अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ये इतने महत्वपूर्ण रिपोर्ट आया फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं, सरकार फिर से इन मुद्दे पर विचार करने के लिए, समस्या पर विचार करने के लिए एक और कमेटी सेटअप किया और इस कमेटी का नाम था पी के थुंगन कमेटी। ये कमेटी थी पी के थुंगन, और इस कमेटी का गठन हुआ था, 1988 और इस प्रकार से पी के थुंगन कमेटी ने अपने रिपोर्ट में दिया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपने रिपोर्ट में दिया और रिपोर्ट इन्होंने दिया 1989 में, रिपोर्ट में दिया कि पंचायती राज को संवैधानिक
दर्जा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, दरअसल पीके थुंगन कबीरी ने यह बात समझा कि टायर से दो किया जाए, तीन चार जो भी किया जाए, अनेक व्यवस्थाएं, उन सब के बावजूद जब पंचायती राज के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं होगा तो यह सशक्त मजबूत नहीं होगी। इन्होंने सोचा जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा, संवैधानिक दर्जा होगा, तो कानूनी संवैधानिक इनके पास बल मिलेगा, इनको ताकत मिलेगी, और इस प्रकार से इनको संबंधित राज्य सरकारों से फाइनेंस धन भी मिलेंगे और बहुत सारे कानूनी इन पर प्रावधान होंगे। तो इस प्रकार से जिम्मेदार होकर के, कानूनी संवैधानिक रूप से जिम्मेदार होकर ये अच्छे से काम करेंगे, देश समाज का डेवलपमेंट होगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ पीके थुंगन कमेटी ने टायर की बात नहीं किया, कितने टायर क्या हो, इन्होंने जोर दिया कि अधिक से अधिक इनको जो वित्त की बात किया, टायर की बात किया, इन्होंने ये बातें नहीं, इन्होंने कहा कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। जब संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, ये सशक्त होंगे, संवैधानिक कानूनी रूप से अच्छे से काम करेंगे। और आगे इन्होंने रिपोर्ट दिया कि पंचायती राज का नियमित निर्वाचन हो, नियमित चुनाव होना चाहिए, नियमित चुनाव होना चाहिए। तो पंचायती राज से संबंधित चुनाव गैपिंग ना हो, नियमित चुनाव हो, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्व दिया जाए, बहाल किया जाए। लेकिन यहीं तक बातें नहीं, इसकी रिपोर्ट, इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद सरकार आगे क्या सोचा, क्या निर्णय लिया, क्या पहल किया, क्या कदम उठाया। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इस पर बातें करेंगे कि सरकार इस पर क्या निर्णय लिया, कैसे कैसे क्या किया। तो आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर गंभीरता से डिटेल सभी एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। आज इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू बच्चों।